ये मुद्दा मीडिया का होना चाहिए कि बेरोजगारी इतनी भयानक आ गई, लेकिन हमारी मीडिया को भाई साहब कहां से फुर्सत मिलेगा। इन लोग को तो अभी बंगाल चुनाव कवर करना है, इन लोग कोई भी हो गया यहाँ पे, एक कोई भी चैनल को आप देखेंगे, इन लोगों के लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह पाता है यहाँ पे। हद देखिए मीडिया, एक दिन ये है ये एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी, हमको बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी तीन टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है यहाँ पर, और ये लोग जीडीपी में बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी बंगाल चुनाव ऐसे होगा, एगो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कोनो इस पार्टी का कोई उस पार्टी का, लड़ रहा है मुर्गा लड़ाओ। बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, अब न्यूज वाला ना ऐसे ऐसे लड़ाता है सब, और हम लोग के लिए बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। आइए मैडम यहाँ पर, ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना? ट्विटर मतलब मोबाइल वोबाइल चोरी हो गया है, अब तक एक भी ट्वीट नहीं निकला है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए। वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल है, आपको स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं पता होगा, स्टूडेंट को क्या दुख होता है आप लोगों को थोड़ी पता। आपको आएगा लिपस्टिक कैसे लगाना है, मैक्सिको में ऐसे उघारे फोटो कैसे खिंचवाना है, यही सब तो आएगा आपको। स्टूडेंट क्या कर रहा है उसके लिए आपको तो ट्वीट थोड़े निकलेगा। हाँ अभी कोई मैटर हो जाए तुरंत ट्वीट करेंगे। नेपोटिज्म नेपोटिज्म, यहां नहीं दिख रहा आपको एसएससी का नेपोटिज्म? मीडिया तो ये मुद्दा उठाएगी नहीं, टीचर्स को स्टूडेंट को मुद्दा उठाना पड़ेगा। एसएससी का जो हुआ था, बहुत सारे लगभग पूरे इंडिया के टीचर्स ने मुद्दा उठाया, तो जाके मजबूरी में एसएससी रेलवे का एग्जाम देना पड़ा। अब एसएससी के लिए उठा रहे लोग तो अब एसएससी करेगी, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं कि बार बार हम लोग को चिल्लाना पड़ेगा। इनको एसएससी वालों को शर्म नहीं आती है तुम लोग को? ट्विटर पे तो मेन ट्वीट कराना हम लोग को 25 फरवरी को, ट्रेंड तो उस दिन होगा, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, लेकिन अभी से ट्वीट पूरा ट्रेंडिंग कर रहा है। अब मोदी जी जरा खुद सोचिए कि अगर ये स्टूडेंट्स को अगर ट्रेंड कराना पड़े मोदी जी रोजगार, तो इसका मतलब गड़बड़ी तो है। थोड़ा सा देखिए ना एक बार, मन की बात कभी हम लोग का भी सुन लिए, बड़ा मजबूरी में पढ़ाता आदमी, स्टूडेंट सबको देखते हैं लोग ना, बड़ा अजीब सा लगता है उनको, आपको समझ में नहीं आता रेडियो पे अपनी मन की बात बोलते, स्टूडेंट कहां बोलेगा अपने मन की बात? आप खुद बताइए आपका। अब गवर्नमेंट का कहना है कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी तो रोजगार दिया है, कोई बात नहीं, हम आप ही का आंकड़ा दिखाते हैं। 2017 में प्राइवेट गवर्नमेंट सारा टाइप का मिला के 407 मिलियन रोजगार थे सब, 2017 का बात बता रहे हैं। 18 में वो 407 से घट के 405 हो गए, 19 में वो 400 मिलियन हो गए सब, यानी टोटल रोजगार आप देखिए घट रहा है। 2020 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जहां बोलेंगे गवर्नमेंट तुरंत बोल देगी अरे कोरोना था कोरोना, इसलिए हमने कोरोना को ही हटा दिया। ये कंसिस्टेंसली देख रहे हैं ना आपको, ये एकदम एक फिक्स ये घटते जा रहा है, यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है यहाँ रोजगार के लिए। तो गार्जियन को भी हम कहते हैं कि आप लोग भी मोबाइल निकालिए, ट्वीट कीजिए। अगर अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए ट्विटर, और आज से ही ट्वीट करना चालू कीजिए हैशटैग मोदी रोजगार दो, इसको ट्रेंड कराइए तब तक जब तक कि एसएससी जो है वो नहीं सुन लेती। मोदी जी के जो सलाहकार भी है ना, वो बताइए नहीं करते हैं मोदी जी को। अब मोदी जी को फुर्सत है कि यहाँ कौन सी दिक्कत हो रहा है एसएससी का क्वेश्चन, ये तो पीएमओ का ऑफिस वालों का ना काम है, वो नहीं पहुंचाता है सब, चाहे उल्टा सीधा पहुंचा। वरना मोदी जी अगर आप भी एसएससी वालों का हाल जानेंगे ना, तो फिर हम आपको ही बताते, आप भी बहुत हंसेंगे। यहाँ आपको भी नहीं पता है, नहीं पता है तो जानिए आप, देश आप ही तो बोलते हैं कि हम देश के सबसे बड़े चौकीदार हैं, तो आपके सामने ही एसएससी वाला कर रहा है, दो तीन लाद दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे आंख बंद करके रखेंगे तो पूरी दुनिया देख रही है ट्विटर पे भाई रोजगार मांग रहा है। भाई ये आपकी एसएससी का काम है जिसके लिए बनाया गया, तो गार्जियन को भी कहते हैं आप लोग भी संभालिए, सबको ये ट्वीट करके 25 तारीख से पहले ही इसे एक नंबर पर ट्रेंड करा के ले जाना है। हम लोग डिजिटल इंडिया में रख रहे हैं, डिजिटल इंडिया 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, और इस 5G में हम लोग की कोई वैकेंसी 5 साल से पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। 2018 की एसएससी 2022-23 में जाके कंप्लीट होगी। 19 में चुनाव से पहले वैकेंसी आई थी रेलवे के लिए, अभी उसका एग्जाम 5 महीने से कंडक्ट किया जा रहा है, वो फाइनल उसकी पूरा का पूरा फाइनल होने में 19 का चुनाव उसी पे हो गया, 24 वाला भी उसी पे हो जाएगा। ये है हम लोग का डिजिटल इंडिया। इस डिजिटल इंडिया के जमाने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है, जो रिजल्ट 1 महीने में आ जाना चाहिए उसको 1.5 साल लगता है। ये है हमारे देश का 5G टेक्नोलॉजी। कोई वैकेंसी 5 साल से पहले नहीं आ सकती, मतलब पूरी क्लियर नहीं हो सकती, और एक से एक बेवकूफ वाला काम करते हैं सब। 2018 की वैकेंसी रोक के 19 का कर दो।
टीचर्स को और स्टूडेंट्स को डिजिटल स्ट्राइक करना पड़ रहा है। गार्जियन लोग को भी कहते हैं, या हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, या जो भी टीचर हैं या जो भी स्टूडेंट आवाज उठा रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए उठा रहे हैं, कल को आपका बेटा भी यहां आएगा और ऐसे ही वो भी परेशान होगा। आपको क्या लगता है कि आपका लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है, बेचारा 200 में 200 ला रहा है और रिजल्ट नहीं होगा। गार्जियन आप लोग को भी कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसको ट्वीट को ट्रेंड कराइए, कैसे भी करके आपको सरकार से मनवाइए, वरना आपका भविष्य आप अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, अब क्या करेगा, लड़का जान दे देगा और सुसाइड करेंगे सब ऐसे ऐसे मजबूरी में, तो आप लोग कहेंगे कि लड़का गलत है। देखिए मोदी जी, हम आपसे क्या बोले, मन की बात आप हम लोग से सुनते नहीं है, तो फोटो से बतियाना पड़ रहा है आपके, आप क्या करेंगे। आप भी बोले थे कि मित्रों हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम तो बोले नहीं थे, और आप हर साल घटाते जा रहे हैं यहाँ पे। और ये SSC रेलवे IBPS ये दिन पर दिन धांधली करते जा रहा है, ये कब काम चलेगा। आप छोटा सा छोटा काम करते हैं, हम लोग करंट अफेयर के इशू पे उसको हर चीज आपकी अच्छे से चीजों को छोटे छोटे चीजों को बताते रहते, लेकिन ये सब कब तक चलेगा यहाँ पे। मतलब आप क्या समझ गए स्टूडेंट को, मतलब SSC वगैरह वालों को कुछ समझाइए, नहीं तो खुद एक बार मन की बात कीजिए इस मैटर पे और कहिए कि हमने मतलब दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं, जितने टीचर जो हैं ये या फिर ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा है, जितने स्टूडेंट है वो झूठ बोल रहे हैं, तो एक दिन आप ही वीडियो आइए बना के कि भाई जितने स्टूडेंट है ये भाग गए हैं या टीचर भाग गए हैं, फिर कमेंट सेक्शन ऑन रखिएगा। फिर दिक्कत तो होता है स्टूडेंट सबको, बात समझिए, कौन किससे मांगेगा कोई। अब आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आप सब लोग ट्वीट सावधानी से कीजिएगा, #मोदी रोजगार दो। देखिए कोई कहीं कहीं स्पेलिंग गलती है, कहीं कुछ है, तो इसमें ट्वीट में दिक्कत आने लगता है। एक ही ट्वीट को आप बार बार रीट्वीट कर सकते हैं, ये आप ही लोग के लिए है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। जो बीमारी SSC में है वही रेलवे में है, वही IBPS में, सबको कमोबेश वही होते जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन करेंगे सब, किसी को कैसे भी करके चौपट कर देगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई होप आप इसको ट्रेंड कराएंगे, और अभी से ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड कराएंगे क्या, एकदम फिक्स है कि 25 तारीख को ट्रेंड होगा।